अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा हेल्प की चाहिए। वो मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरा एक लड़का है जो तकरीबन 17-18 साल का है, और उसके ऊपर में जो है सो कोई बांध मारा हुआ है। उसके पेट के में कुछ प्रॉब्लम आता है जिसका कारण जो है सो पूरा रेड हो जाता है और जलन सा महसूस होता है। तो इसके बाद में हम लोग क्या किए कि उसको डॉक्टर से दिखाए हैं। डॉक्टर से दिखाने के बाद में डॉक्टर का कहना है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग 2-3 मौलाना से दिखाए हैं। तो वो 2-3 मौलाना का कहने का मतलब है कि आपके घर के अंदर में जो है सो काला जादू किया हुआ है। तो ऐसे में अभी हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे एक भाई साहब हैं जिनका कहना है कि इनका कोई लड़का है और पता नहीं क्या मसला उसका बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो लाल हो जाता है, कुछ हो जाता है उसके जिस्म पे, कोई मसला होता है। अब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2-3 मौलाना को दिखाते हैं तो कहते हैं काला जादू है। तो देखिए असल हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जिन जिन मौलाना लोगों को आपने दिखाया है और उनको नहीं दिखाना चाहिए, वो ऐसे ही अचानक क्या इनके पास इल्मे गैब है, इसे झट से बोल दिया काला जादू है। ये बहुत बड़ा फसाद है इस वक्त इस कौम में कि मामूली मामूली बात पे काला जादू करके और सबको खौफजदा करके रखा है और सबको गुमराह करके रखा है। इसलिए कोई भी ऐसा मसला हो तो सबसे पहले उसका एक मेडिकल हल ढूंढना चाहिए आपको। ये राखी और रुकिया के नाम से लोगों ने जो दुकान खोल खोल के बैठे हैं इनसे ज़रा दूर रहना चाहिए, और सबसे अव्वलिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई मेडिकल हल हो, आप डॉक्टरों के पास जाएं। आप कहते हैं डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तो एक ही डॉक्टर है। आपने जिक्र किया कि 3 मौलाना को दिखाया, तो कम से कम 3 डॉक्टरों को भी दिखाएं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखाएं। देखिए डॉक्टरों के पास भी अगर इसका कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जादू है, काला जादू है। भाई कैंसर का इलाज नहीं है, बहुत सारे कैंसर का भी इलाज है, लेकिन कैंसर की कुछ किस्में ऐसी हैं उसका कोई इलाज नहीं है। एड्स का इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास, तो क्या ये काला जादू है? तो हर बीमारी जिसका इलाज ना हो उसको आप काला जादू बोल देंगे? तो ये तरीका सही नहीं है मेरे भाई। कोई बीमारी अगर इलाज है इस माना में कि उसका इलाज लोगों के पास नहीं, वरना इस्लामी अकीदे के मुताबिक तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी मर्ज नाजिल करता है साथ में उसकी शिफा भी नाजिल करता है। ये मुसलमानों का अकीदा है कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी आएगी तो साथ में उसकी शिफा भी है। अब उस तक कोई पहुंच पाता है और कोई पहुंच नहीं पाता है, लेकिन अगर कोई उस शिफा तक नहीं पहुंच पाता है तो अब इसका यह मतलब नहीं कि उसको जादू का नाम दे दे, काला जादू बोल दे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसे लोगों के पास आप मत जाएं, बल्कि आप किसी जो है डॉक्टर से रابطہ करें, एक डॉक्टर से, 2 से 3 4 से रابطہ करें, और उसके बाद उसका सही से इलाज करने की कोशिश करें। और अगर अपनी तसल्ली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुद से आप दम करें, पढ़ें सूरह फातिहा, पढ़ें मौजतैन, पढ़ें आयतुल कुर्सी, पढ़ें सूरह बकरा, पढ़ें खुद पढ़ें, या आपके घर में जो जानने वाले हैं उनसे पढ़वाएं। इन मौलानाओं के पास जाने की क्या जरूरत है जो हर बात में आपको काला जादू बताते हैं? ये क्या कर लेंगे? अगर काला जादू हो भी तो ये क्या कर लेंगे बताइए? तो अगर आपको इत्मीनान करना है तो आप खुद से दम कीजिए। लड़का अगर पढ़ा लिखा है वो पढ़ सकता है तो उससे कुरान पढ़वाइए। तो जो कुछ हो सकता है खुद ही कीजिए, इन लोगों से दूर भागिए। सही मुस्लिम वगैरह की हदीस भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बहुत बड़ी तादाद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगी, और उनका वस बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वला यस्तरकून, ये वो लोग हैं जो रुकिया नहीं कराते हैं। तो रुकिया कराना जायज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की है कि आप जाके रुकिया करें, बल्कि हौसला शिकनी की है, और ये कहा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका सवाब ये कि बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जा सकते हैं। इसलिए दूसरों से रुकिया वुकिया नहीं कराना चाहिए, खुद करे, जो मरीज है खुद करे, या जो फैमिली वाले हैं वो खुद बगैर बोले खुद से जो है रुकिया करें। लेकिन ये जो पेशावर राखी है इन लोगों को पकड़ पकड़ के रुकिया कराना, ये सिलसिला बंद कीजिए, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इस्लाम में इसकी तारीफ नहीं की गई है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिले। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।